अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? होप सो आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है। बेसिकली मैं कुछ मसरूफ़ था, कुछ इवेंट्स थे, कुछ वेडिंग्स थी, कुछ प्रोग्राम्स थे जिनमें मैं मसरूफ़ था, जिसकी वजह से वीलॉग एक लंबे अरसे से नहीं बन सका। बट आज हम वीलॉग बना रहे हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं कराची। कराची में मेरा स्टे ऑलमोस्ट एक वीक का होगा, जिसमें मुझे दो इवेंट्स को कवर करना है एंड देन आई विल बी बैक। उसके बाद कुछ और व्लॉग्स आएंगे जो मज़ीद ट्रैवलिंग के होंगे, ट्रैवलिंग फॉर वेडिंग फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। सो स्टे ट्यून्ड टिल देन। पाकिस्तान रेलवेज ने हमें बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया और हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ट्रेन लेट है, एक घंटा लेट हो गई है तकरीबन। आर टाइम से गई थी बट स्टिल लेट। मुझे कल 5 बजे पहुँचना है इवेंट पर और आज 5 बजे मैं लाहौर में खड़ा हूँ। सो लेट्स सी क्या होता है, अभी मुझे कुछ नहीं पता। जब तक मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ तब तक आप लोग स्टेशन के कुछ सिनेमैटिक्स देखें, बाकी बातें फिर हम करेंगे ट्रेन में बैठ के। एंड विश मी लक, थैंक यू। का सीन ये है कि हम लोग पहुंचे हैं मुल्तान। ट्रेन 2 घंटा लेट थी एज़ एक्सपेक्टेड, तो अभी हम पहुंचे मुल्तान। यहाँ कोई 5-10 मिनट का स्टे है और एक्सपेक्टेडली भी ट्रेन पहुंचेगी कराची अराउंड 1 बजे, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर मतलब शाम 5 बजे इवेंट है, तो 4 घंटे का मार्जिन हमें मिल जाएगा। मैं हूँ मुल्तान स्टेशन पर, रात के बज रहे हैं तकरीबन 9 आई गेस, तो 9 नहीं 10 बज रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं और ट्रेन का टाइम पूरा हो गया है। बाकी बातें फिर हम आपसे जाके किसी और स्टेशन पे करते हैं। थैंक यू। भाई दो बिरयानी देना बड़े साहब। भाई और क्या देना? नॉर्मली मैं ट्रेन में सोया नहीं करता बट इस दफ़ा मैं सो गया, काफ़ी गहरी में सोया।
और अब ये है कि मेरा इवेंट है 5 बजे शाम का, तो मुझे उससे पहले पहले ही घर पहुंचना और चेंज करके इवेंट में जाना है। उम्मीद ये थी कि 1 बजे तक ये ट्रेन जो है पहुंच जाएगी कराची, 3 घंटे लेट, बट आई गेस ये और लेट हो गई है। ये वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन है क्योंकि मैं बचपन से ट्रेन में सफ़र करता आ रहा हूँ। एक ट्रेन जो लाहौर से कराची जाती है गालिबा वो 3 ड्राइवर पर जुड़ती है, पहला खानेवाल पे, दूसरा रोड़ी पे, फिर तीसरा जो ड्राइवर होता है वो कराची लेके जाता है गाड़ी को, इसी तरह वापस आते हुए भी होता है। सो ऑब्जर्वेशन ये है कि वो ड्राइवर जो लाहौर से खानेवाल तक आता है वो सबसे तेज़ होता है, और जो रोड़ी से कराची तक जाता है वो सबसे स्लो ड्राइवर होता है। सो यही मैं आज फिर ऑब्ज़र्व करूँ दोबारा से, क्योंकि रात में तो काफ़ी तेज़ लेकर आए गाड़ी को ये, और आपका मुझे पता नहीं कि क्या सूरत हाल है, बट काफ़ी स्लो जा रही है ट्रेन। अभी हमने क्रॉस किया हैदराबाद, हैदराबाद से कम अज़ कम 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है कराची का। सो विश मी लक, और मैं ज़्यादा आपको शॉर्ट्स नहीं दिखा सका, लेकिन ये है कि बाकी फिर मैं आपको कराची स्टेशन पर पहुँच के दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से ये हम गुजर रहे हैं सखर बैराज के ऊपर से, मेरा ख्याल है कि ब्रिज है, आई डोंट नो कौन सा ब्रिज है ये, चलिए दिखाता हूँ आपको। आउटसाइड द कराची कैंट स्टेशन, अभी ओपन नहीं हुआ सिग्नल नहीं ब्रेन को अंदर जाने के लिए, बट वी आर ऑलमोस्ट नियर टू स्टेशन, यू कैन सी द व्यू। तो दोस्तों सीन ऐसा है कि तकरीबन 1 घंटा होने वाला और हम लोग वहीं खड़े हुए हैं, बिल्कुल जहाँ थोड़ी देर पहले खड़े हुए थे, एग्जैक्टली वहीं पर खड़े हुए हैं। फाइनली जी ट्रेन चल पड़ी है, मुलाकात के शॉर्ट व्लॉग में, तब तक के लिए साइन ऑफ।